आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के आज खाप प्रतिनिधियों ने राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी से मुलाकात की। पांच खापों के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल सोलंकी से मुलाकात कर हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव करने और SYS स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने, जींद जिले में PGI लाने की मांग की है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद कंडेला खाप के प्रधान ने कहा कि राज्यपाल ने उनकी मांगों पर गौर करने का भरोसा दिलाया है। हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव किया जाए, इसमें एक गांव में, एक गोत्र में लगते गांव में शादी नहीं होनी चाहिए। जो कृषि के लिए BJP ने जो वादा किया था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को भेजे, तो राजनीति कर रहे हैं हरियाणा पंजाब की। 1966 से जो हरियाणा के भी पंजाब के भी जो SYL मुद्दे पर SYL का पानी जो हमारे हिस्से का है जो भी है वो दिलवाने का काम करें। खाप पंचायतों को जो सामाजिक संस्था है जो दिन रात काम करती है, जो हर 36 बिरादरियाँ काम करती है, खाप पंचायतों को लोक अदालत का दर्जा दिया जाए, एक हमारी मांग यह है। एक हमारा जींद में दो मांग हमारी जींद जिले की है। इसमें जींद जिले में ये राजनीति का केंद्र बिंदु है, यहाँ लोग रैलियाँ करते हैं जींद में आकर सब, लेकिन जींद जिला सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। इसमें एक हमारे लिए जो रोहतक की तरफ पर PGI बननी चाहिए जींद जिले में। तो खाप प्रतिनिधि अपनी कई मांगे लेकर जो है वो राज्यपाल के पास पहुंचे। अब आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और हरियाणा के वन मंत्री राव नरवीर ने आज मेवात जिले के फिरोजपुर झिरका के साथ लगते अरावली क्षेत्र का दौरा किया। जावड़ेकर और राव नरवीर ने अरावली का हवाई सर्वेक्षण किया। केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र सरकार प्रकृति की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और संतुलित विकास ही हमारा लक्ष्य है। जावड़ेकर ने अरावली पर कहा कि अरावली के सभी अंगों को देखा है और इसका अध्ययन किया जाएगा। आज हमने सभी अंगों से देखा, अब इस पर अध्ययन करेंगे, लेकिन एक बताएंगे कि मोदी सरकार प्रतिबद्ध है कि प्रकृति की रक्षा करेंगे तो अरावली की रक्षा भी करेंगे और संतुलित विकास यही हमारा लक्ष्य है। तो विकास भी जो होगा वो सारी प्रक्रिया सस्टेनेबल होगा।